आखिर हुआ क्या है नेहा, तुम यहां से क्यों शिफ्ट कर रही हो? ये तो तुम्हारा अपना घर है था वृंदा था। तुम तो जानती हो रवि की तरह दिनेश ने भी ये घर लोन पर लिया था, और जिसका उधार चुकाने के मेरे पास पैसे नहीं है। लोन तो क्या, घर के हालात ऐसे हैं कि सामान बेच बेच कर उधार चुका रही हूं। पिछले क्रेडिट कार्ड बिल्स, विराट के स्कूल की फीस, महीने के खर्चे, और फिर अब मौत भी तो सस्ती नहीं। तो तुमने और दिनेश ने कोई सेविंग्स नहीं की थी, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं? कुछ नहीं वृंदा, कुछ भी नहीं। तुम्हें तो पता है दिनेश आज की सोचकर जीने वालों में से थे, कल की उन्हें कोई फिक्र ही नहीं हुई। और घर पर मैंने जो छोटा मोटा बचा लिया वही हमारी सेविंग्स थी। वक्त की लाठी कभी भी किसी के ऊपर भी बरस सकती है, और रवि ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए शादी के बाद उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस लेने की ठानी। मैंने हंसकर कहा, अभी ही क्यों, बाद में ले लेना। तो कहने लगे, अभी इसलिए ताकि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। मुझे भी जिंदगी को समेटने में वक्त तो लगेगा, मगर कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। यही कारण था कि रवि दिनेश को बार बार मुकेश के साथ चाय पीने के लिए बुलाते थे, मगर दिनेश कभी नहीं पहुंचा। तो तुम्हारा मतलब है कि रवि की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वजह से तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, बिल्कुल नहीं। रवि की मौत के 15 दिनों में ही सारा पैसा मिल गया, और यही वजह है कि मैं कुछ दिनों के लिए निश्चिंत हूं। घर के लोन का पैसा जाता रहेगा, घर का खर्चा भी उसी तरह चलता रहेगा, ना सुप्रिया के स्कूल की फीस रुकेगी, बल्कि उस पैसे से तो मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू कर दी है। कुछ दिनों में एक जॉब ढूंढ लूंगी, और ये सब मुकेश की वजह से हुआ। ये मुकेश कौन है? मुकेश एजेंट है। रवि जब लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता कर रहे थे तभी मुकेश से बात हुई थी। मुकेश ने उनसे कहा कि इंश्योरेंस बात में पहले मैं आपके साथ एक कप चाय पीना चाहूंगा, जब तक आपको जानूंगा नहीं तब तक आपको पॉलिसी कैसे सजेस्ट करूंगा।